जबलपुर शहर में नवरात्रि को लेके चर्चा हो और हमारे यहाँ पे जबलपुर शहर की जो बड़ी बड़ी महाकालियाँ हैं उनके बारे में बात ना की जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी को लेके मैं आज नवरात्रि 2023 को लेके एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को हमारे जबलपुर शहर की जो बड़ी महाकालियाँ हैं उनमें से एक जो शक्ति नगर की महाकाली है उनके बारे में आज डिटेल देने वाला हूँ, उनके बारे में एक छोटी सी अपडेट देने वाला हूँ। तो अभी मैं आया हूँ मूर्तिकार बबलू भैया के यहाँ, जो कि मेडिकल में स्थित है इनका पंडाल, और इनके यहाँ पे जो है शक्ति नगर की जो बड़ी महाकालियाँ हैं उसके साथ साथ और भी बड़ी बड़ी महाकालियाँ बनाई जा रही हैं। तो आइए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो पहले आप लोग दर्शन कीजिए और फिर उसके बारे में जो एक एक मूर्ति के बारे में डिटेल बताऊँगा कि कहाँ पर ये जाने वाली हैं। तो ये है मूर्तिकार बबलू भैया का पंडाल, जहाँ पे इस साल एक दो नहीं पूरी पूरी आठ महाकालियाँ बनाई जा रही हैं। और अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है महाकालियाँ हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये है शक्ति नगर की महाकाली। तो यहाँ पे जो बड़ी महाकालियाँ जो आठ महाकालियाँ बनाई जा रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ की महाकाली है। तो पहले तो देखिए ये जो आप सबसे बड़ी महाकाली जो है इनकी हाइट 15 फुट है, ये शक्ति नगर में जाती हैं और हर साल जो है यहीं पे बनाई जाती हैं। इसी के बाजू में आप लोग देखोगे ये है दमोह की महाकाली, जो कि दमोह के लिए जाती हैं यहाँ पे यहाँ से बन के। और एक यहाँ देखोगे आप एक महाकाली, देखिए ये है ये वाली जो है परसवाड़ा की महाकाली है। और इसी के सामने देखिए एक महाकाली ये आपको है, ये है बेलखेड़ा की। और एक महाकाली आप लोग देखोगे ये जो है गढ़ा की महाकाली है, ये भी जो है शक्ति नगर की महाकाली से थोड़ी सी हाइट कम है इनकी, और ये भी पूरी तैयार हैं, शंकर जी वगैरह देखिए पूरे तैयार हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटी सी जो महाकाली है इनकी हाइट लगभग 7-8 फीट के ऊपर की है, और ये जो है छुई खदान की है। और एक महाकाली देखिए इसके पीछे जो यहाँ पे जो शक्ति नगर की महाकाली है उसके पीछे बनाई जा रही हैं, वो महाकाली जो है छपारा की है। तो इस साल जो है लगभग टोटल आठ महाकालियाँ इस साल यहाँ पे बबलू भैया के पंडाल में बनाई जा रही हैं। तो अभी आप इनके पंडाल में कहीं भी नज़र घुमाओगे ना तो आपको हर जगह देखिए महाकाली की मूर्ति ही दिखाई देगी। और ये एक इकलौता पंडाल है जहाँ पे इतनी सारी महाकाली की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये जो महाकाली हैं ये देखिए, जो अभी तो नवरात्रि का जो है काफ़ी टाइम है, लेकिन बबलू भैया ने पूरी मूर्तियाँ जो हैं उनका बेसिक जो काम रहता है मूर्ति पूरी खड़ी कर दी है। और अभी जो है भैया देखिए यहाँ पे जो है गणेश जी का जो उत्सव आ रहा है तो उसकी तैयारी में लगे हुए छोटे छोटे गणेश जी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं साथ में ही। और एक महाकाली आप लोग देखोगे ना तो ये है रांझी बड़ा पत्थर के पास की। और दमों की महाकाली वगैरह आप देखोगे ना तो ये भी हर साल यहीं पे बनाई जाती हैं, और देखिए क्या रूप इनका तैयार हुआ है, जो रौद्र रूप में है जो माता रानी। तो नवरात्रि जब शुरू होगी ना तो यार इस बार जो है अलग ही माहौल होने वाला है, इतनी सारी जो महाकालियाँ हर जगह बनाई जा रही हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे जो जितनी भी मूर्तियाँ हम लोग बताते हैं कि ये इतने फिट की हैं, ये 20 फिट की हैं, ये 15 फिट की हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि जो है मूर्ति को अपन मतलब जो है मूर्ति की हाइट नापी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मूर्तिकार रहते हैं जो मूर्ति में बाँस लगाते हैं, जैसे ये देखोगे आप ये बाँस हैं, ये जो बाँस मूर्ति में लगाए जाते हैं तो इनको काट के जो लगाया जाता है उस बाँस की लंबाई नापी जाती है। तो उस बाँस की लंबाई जितनी होती है उस आधार पर जो है मूर्ति की हाइट रखी जाती है। तो जैसे ये महाकाली जो है ये शक्ति नगर की महाकाली है ना, ये 15 फुट की हाइट है, तो इसमें जो है 15 फुट का जो है बाँस लगाए गए देखिए मूर्ति में जो पीछे लगे हुए हैं, तो उसकी हाइट पर जो है मूर्ति की हाइट रहती है।
तो ये थी नवरात्रि 2023 को लेके एक छोटी सी अपडेट। तो इसी तरह की अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे जैसे मूर्तियाँ बनते जाएंगी, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनते जाएंगी, वैसी वैसी अपडेट आप लोगों को मैं अपने वीडियो के थ्रू देते जाऊँगा। तो इसलिए चैनल पर बने जरूर रहिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड अपन यहीं पे करते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।